हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 23 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये है नेचुरल नंबर्स का। और सम ऑफ इवंस नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू एन प्लस में वन। और सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। तो पिछली क्लास में हमने इसके फॉर्मूले, मतलब इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो इस क्लास में हम इन दोनों के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो एन हो जाएगा यहाँ पर 10। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का क्या फॉर्मूला था? एन स्क्वेयर। तो 10 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30। फॉर्मूला क्या था विषम संख्याओं का जोड़? एन स्क्वेयर। तो 30 का स्क्वेयर हो जाएगा 900। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 20 विषम संख्याओं का जोड़, मतलब एन 20 है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 400 इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो एन कितना है यहाँ पर? 75। और फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 7 8 56। तो 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट की इसकी ट्रिक होती है, अगर इकाई का अंक 5 हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये उसी की ट्रिक है जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो इससे आगे कौन सी संख्या आती है? 8। उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 56। तो 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 75 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28। 125 विषम संख्याओं का योग। तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 125। तो 125 का स्क्वायर, अभी हमने ट्रिक सीखी थी, 125 का स्क्वायर, इकाई का अंक कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना बच गया? 12। 12 से अगली संख्या 13, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। तो 156 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। क्वेश्चन नंबर 30। 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का जोड़। तो 1 से स्टार्ट होना है और 80 तक जाना है, लेकिन विषम संख्याओं का, तो 80 सम संख्या है, तो 80 से पीछे आएंगे कितना आ जाएगा? 79। विषम संख्या बोली थी, तो 1 3 5 7 9 और ऐसे 79 तक जाना है, तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो लास्ट संख्या होगी उसको हम 2n-1 के इक्वल मानेंगे, तो 2n-1 इज इक्वल टू 79। एन इधर जाएगा तो प्लस, तो 79 और 1 80, तो 2n इज इक्वल टू 80, एन 80/2 मतलब 40। ऐसे ही आपको पुट करना है, कभी भी अगर विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं में अगर n निकालना हो तो लास्ट संख्या को 2n-1 के इक्वल पुट करेंगे, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तब। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। हमारा फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वेयर। तो 40 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1600। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है? 100 तक, लेकिन 100 विषम संख्या नहीं है, तो 100 से पीछे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। तो 99, 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़। तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99 में 1 जोड़ो 100, उसको 2 से डिवाइड करो तो एन हो जाएगा 50। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32। 1 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। क्या बोला है कि 1 और 50 के बीच, तो 1 से स्टार्ट होना है और 50 तक, और इन दोनों के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका जोड़। तो इनके बीच कौन कौन सी संख्या आएंगी? 3 जमा 5 जमा और 50 से पीछे वाली संख्या 49। तो 1 से 50 के बीच, तो इन दोनों के बीच ये संख्या आएंगी, इनका जोड़ निकालना है। 3
जमा 5 जमा 7 और 49। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला था एन स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था कंप्लीट सीरीज का, मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है सीरीज, 1 जमा 3 जमा 5 जमा ऐसे 49। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 49 में 1 जोड़ो 50, 2 से डिवाइड करो 25, तो 25 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 625। ये आंसर किसका है, कंप्लीट सीरीज का। हमें किसका निकालना था, जो 3 से स्टार्ट हो रखी है, इसमें 1 इंक्लूड है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 624 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कंप्लीट सीरीज का था। जो 625 आंसर है इसके अंदर 1 इंक्लूड है, और हमें जिसका निकालना है उसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 को हम माइनस करेंगे तो 624 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 1 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का जोड़। तो 1 और 100, इन दोनों के बीच जितनी विषम संख्याएँ हैं, तो 3 जमा 5 ऐसे 99। तो इन दोनों के बीच कौन कौन सी संख्याएँ हैं, ये 3 जमा 5 जमा 7 जमा 99, इनका हमें सम निकालना है। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला था एन स्क्वेयर, ये था कंप्लीट सीरीज के लिए, जो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 जमा 3 जमा 7 ऐसे 99 तक। तो 99 में 1 जोड़ो 100, 2 से डिवाइड करो 50, तो एन कितना हो जाएगा 50, तो 50 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2500। तो ये 2500 किसका सम है, 1 से लेकर 99 तक। हमसे पूछा किसका है, 3 से लेकर 99 तक, तो इसके अंदर 1 इंक्लूड है, तो 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2499। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34, 4। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि तक बोला है या फिर बीच में। थर्टी फोर, 1 जमा 3 जमा 5 जमा और ये है 49 तक। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 49 में 1 जोड़ो 50, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 का स्क्वेयर मतलब n का स्क्वेयर, तो n है यहाँ पर 25, ये हो जाएगा 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1 से लेकर 69 तक सम पूछा है, तो 69 में 1 जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 का स्क्वेयर, 35 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर करो 25, 3 से आगे वाली डिजिट कौन सी है 4, तो 3 चौके 12, तो 12 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1 से लेकर 89 तक, तो 89 में 1 जोड़ेंगे 90 का हाफ करेंगे 45 हमारा एन हो जाएगा, तो 45 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 4 से आगे वाली डिजिट कौन सी है 5, तो 4 5 20, तो 20 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1 से लेकर 139 तक, तो n कितना हो जाएगा, 139 में 1 जोड़ो 140, उसको 2 से डिवाइड करो 70, तो n हमारा हो जाएगा 70, तो 70 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49 और 00, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, 1 से लेकर 99 तक, तो 99 तक मतलब 99 में 1 जोड़ो 100, 100 को 2 से डिवाइड करो 50, तो 50 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, 1 से लेकर 199 तक, तो n कितना हो जाएगा, 199 में 1 जोड़ो 200, 200 को हाफ करो 100, तो 100 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 10000। क्वेश्चन नंबर 40, 51 से लेकर 51 प्लस 53 प्लस ये है 99 तक। जो हमारा फॉर्मूला था n स्क्वेयर, ये था कंप्लीट सीरीज का, मतलब जो 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 जमा 3 जमा 5 और ये है 99 तक। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, एन स्क्वेयर होता है कंप्लीट सीरीज का, तो इसका फॉर्मूला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100 को हाफ करेंगे 50, तो एन कितना हो जाएगा, ये 50, ये 50 संख्याएं हैं, तो 50 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2500। हमसे पूछा कितना है, 51 से लेकर 99 तक, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 49 अगर इनका सम हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 49 तक एन कितना हो जाएगा, तो n स्क्वेयर यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ो 50, 50 का हाफ करो 25, तो n यहाँ पर है 25, तो 25 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 625। तो इस कंप्लीट सीरीज का सम कितना है 2500, और उसमें 1 से लेकर 49 तक है 625, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 625 को, तो जो आंसर आएगा वो 51 से लेकर 99 तक है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 बचेगा, और फिर 14 में से 6 गए तो 8, 1875 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 40 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41,
101 जमा 103 और ये सीरीज है 199 तक। तो हम निकालेंगे कंप्लीट सीरीज का पहले 199 तक कितनी डिजिट हो जाएंगे यहाँ पर, मतलब एन हमारा कितना हो जाएगा इसके अंदर, एक जोड़ो ये विषम संख्या है तो 200, 200 को हाफ करेंगे तो 100, तो एन हमारा हो जाएगा 100। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स का एन स्क्वेयर, 100 का स्क्वेयर 10,000। ये 10,000 कौन सा सम है, 1 से लेकर 199 तक की संख्याओं का। तो हमें चाहिए है 101 से लेकर 199 तक। अगर हम 1 से लेकर 99 तक जो सम होगा उसको माइनस कर दें इसके अंदर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगी हमारी संख्या, एन इज इक्वल टू 99 में एक जोड़ेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो 50 एन हो जाएगा, एन स्क्वेयर ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 50 का स्क्वेयर 2500, तो 2500 को इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7500, क्योंकि 1 जमा 3 जमा 5 जमा ये 99 जमा 101 विषम संख्या है, 103 जमा 199। तो ये कंप्लीट सीरीज थी, इसका सम हमने निकाला था 10,000 आया था। अब इसमें से अगर हम 1 से लेकर 99 तक सम निकालें वो कितना आया था 2500, और यहाँ पर कितनी सीरीज हो जाएगी 101 से लेकर 103 और 199 अगर आगे जाएगी, और इनका सम कितना था कंप्लीट 10,000। अब क्या करेंगे, इस 2500 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 101 जमा 103 जमा ये 199 तक है, तो 10,000 माइनस 2500 कितना हो जाएगा 7500। तो इसका सम कितना हो जाएगा 7500, ऐसे हम इसमें से माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42 का। तीस से 60 तक की विषम संख्याओं का योग, तो 30 से स्टार्ट करना है और 60 तक जाना है, तक बोला था दोनों संख्या इंक्लूड होंगी, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर है विषम संख्या और 30 और 60 है विषम संख्याएं। तो 30 से आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 31, 60 से नीचे वाली 59, तो इन संख्याओं का जोड़ इसने पूछा है। अब हमें कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला पता है 1 से लेकर 59 तक, तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, और में से एन यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें एक जोड़ो 60/2 30, 30 का स्क्वायर 900। अब अगर इसमें से 1 से लेकर हम 29 तक की संख्याओं का जोड़ इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 29 में एक जोड़ेंगे 30 का हाफ करेंगे 15, तो एन यहाँ पर है 15, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 900 में से 225 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 करेंगे तो 5, 9 में से 2 करेंगे 7, 8 में से 2 करेंगे 6, 675 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इसने 30 से 60 तक की संख्याओं का पूछा था, जब तक आता है तो हम दोनों संख्याएं इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों नहीं की, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सम संख्या हैं और इसने पूछा है विषम संख्याओं का, इसलिए हमने दोनों संख्याएं इंक्लूड नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 51 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 100 तक, और कौन सी संख्या है विषम, तो 100 तो होगा नहीं क्योंकि 100 सम संख्या है, तो इससे पीछे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 99, तो इनका सम इसने पूछा है। अब कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला निकालेंगे, इसका फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, तो जो 1 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगी उसका सम कितना हो जाएगा एन स्क्वेयर, एन यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके अंदर एक जोड़ो 100, 2 से डिवाइड करो 50, तो 50 का स्क्वेयर 2500। अब अगर इसमें से हम 1 से लेकर इससे पीछे वाली सम संख्या कौन सी होती है 49, तो 49 तक जाएंगे इसका सम कितना हो जाएगा एन स्क्वेयर, एन कितने हैं यहाँ पर, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो इसमें एक जोड़ेंगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, क्योंकि इसको हम 2n-1 के इक्वल मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 625, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 और ये 7, 8, 1, 1875 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44 का। 51 और 100, 51 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 51 और 100 इनके बीच की संख्याओं का जोड़, इनके बीच की कौन संख्याएं विषम संख्याएं, तो इनके दोनों के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, 53 प्लस 55
और यहाँ पर 99 तक, तो इन संख्याओं का जोड़ इसने पूछा है। अब हमें 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का जोड़ तो हम निकाल सकते हैं एन स्क्वेयर से। ये हमारा फॉर्मूला था कंप्लीट सीरीज का, जो 1 से स्टार्ट हुई हो। तो ये हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी यहाँ पर, ये 50। 50 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 2500। और हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 से लेकर 51 तक, क्योंकि इससे पीछे वाली विषम संख्या होती है 51। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे एन हमारा, इसमें एक जोड़ो 52, 52 को हाफ करेंगे तो 26, 26 का स्क्वेयर, 26 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 576, नहीं 676। तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, तो 1824 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45। 101 और 200 के बीच, तो 101 और 200 के बीच विषम संख्याओं का जोड़, तो इन दोनों के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं आएंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 103, 105 और इससे पहले वाली संख्या 199, तो इसका सम हमें निकालना है। ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, कंप्लीट सीरीज होगी 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 199 तक। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हो जाएंगी, इसके अंदर एक जोड़ेंगे 200, 200 को हाफ करेंगे 100, तो 100 का स्क्वायर 10000। अब कहाँ तक पूछा है इसने, 103 से स्टार्ट, तो 103 से पीछे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 101, तो 1 से लेकर 101 तक इसका सम निकालेंगे, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, यहाँ से 101 में एक जोड़ेंगे 102, इसका हाफ करेंगे तो 102 का हाफ कितना हो जाएगा, 51, 51 का स्क्वेयर, 51 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये 2601 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 3 और यहाँ पर कितना था हमारा 7 73 99, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46। 75 और 150 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 75 और 150 इन दोनों के बीच जितनी विषम संख्याएं हैं उनका जोड़, तो इनके बीच की कौन कौन संख्या हो जाएंगी विषम, 779 और ये 149 तक, इनका सम हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले कंप्लीट सीरीज बनाते हैं 1 से लेकर 149 तक, एन स्क्वेयर कितने एन हो जाएंगे हमारा यहाँ पर, इसके अंदर तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, इसके अंदर एक जोड़ेंगे 150 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 75, तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56 56 25। अब क्या पूछा है, 77 से पीछे वाली संख्या कितनी हो जाएगी विषम, 75, तो इनका सम निकालेंगे, n कितना हो जाएगा यहाँ पर, 75 में एक जोड़ो 76, 76 का हाफ करेंगे तो 38, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1444, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 में 4 गया तो 1, 2 में 4 गए तो 8 और यहाँ पर बचेगा 1 और ये 41 81 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस में 1, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1/2, ये किसका जोड़ सम था, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, ये प्राकृत संख्याएं, तो ये था प्राकृत संख्याओं का जोड़। अब इसने पूछा है कि सम संख्याओं का जोड़, तो सम संख्या होती है 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, ऐसे चलती जाएंगी, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा 1, अब बचेगा 2 3 4 5, ऐसे चलती जाएगी, तो ये कौन सी संख्या है हमारी, प्राकृत संख्या है, तो 2, और प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस में 1, तो ऐसे ये फॉर्मूला बना था। क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 × 11 कितना हो जाएगा 110। 48 करते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग, तो n कितना है यहाँ पर 15, तो 15 × 16 कैसे सोल्व करेंगे, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्क्वेयर याद है, तो
तो इसको हम देखें कैसे करेंगे, 15 16 क्या लिख सकते हैं, 15 जमा 1। अब 15 की 15 से गुणा करेंगे पहले और फिर 15 की 1 से करेंगे, मतलब 15 की। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है 225, 225 में 15 ऐड करेंगे 240, ये डायरेक्ट करेंगे हम, 240 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49, उसका स्क्वायर करेंगे और वही संख्या उसके अंदर ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 49, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो 40 गुणा 41, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 1600 के अंदर 40 ऐड करेंगे तो 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग, तो एन कितना है 60, तो 60 गुणा 61, क्या कैसे करेंगे, 60 का स्क्वायर उसके अंदर फिर 60 प्लस करेंगे, तो 60 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 3600, 3600 के अंदर 60 प्लस करेंगे तो 3660। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 51, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 1 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का जोड़, तो एक तो सम संख्या है नहीं, सम संख्या कौन सी है, 1 से आगे 2, तो 2 से लेकर 60 तक जाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, अब सम संख्याओं में एन कैसे निकालते हैं, जो लास्ट संख्या होगी उसको हम 2n के इक्वल मानेंगे, जब संख्या 2 से स्टार्ट हुई हो, तो एन कितना हो जाएगा 30। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस में 1, मतलब 30 इंटू 31, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 900 के अंदर 30 जोड़ेंगे 930, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना कि इसको ऐसे लिखना, पहले 1 से 60 तक की सम संख्याओं का, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना कि 60 है तो एन को हम 60 मान ले। क्वेश्चन नंबर 52, 1 से 75 तक की सम संख्याओं का योग, तो 1 से स्टार्ट होना और कहाँ तक जाना है, 75 तक, और सम संख्याएं, तो ना तो ये सम संख्या है और ना ही ये, तो इनके बीच कौन संख्या जाएगी, 2 जमा 4 जमा 6 और ये 74 तक, लास्ट संख्या क्या मानेंगे 2n, तो n कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, तो 37, तो 37 गुणे 38, 37 का स्क्वायर, और फिर उसके अंदर 37 को हम प्लस करेंगे, 37 का स्क्वायर हमें पता है कि 1369 होता है, तो इसके अंदर 37 को हम प्लस कर देंगे, 9 और 7 16, 6 3 9 और 1 10 4 1, तो 1406 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53, 1 और 25 के बीच के सम संख्याओं का योग, तो 1 और 25 इनके बीच जो भी सम संख्याएं हैं उनका जोड़, तो इनके बीच कौन कौन सी सम संख्या हो जाएगी, 2 4 और फिर 24 तक। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1, n कितना हो जाएगा, इसको 2n के इक्वल मानिए, तो इसका हाफ करेंगे तो 12 है, तो 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा, ये 156। क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं, 1 और 100 के बीच के सम संख्याओं का जोड़, तो 1 और 100 इन दोनों के बीच की संख्याओं का, तो इन दोनों के बीच कौन कौन सी सम संख्याएं आएंगी, 2 जमा 4 जमा 6 और ये 98 तक, क्योंकि इनके दोनों के बीच पूछा है, तो एन कितना हो जाएगा, इसको 2n के इक्वल मानिए, तो इसका हाफ करेंगे, 2 चौके 8 और 2 में 18, तो मतलब एन हो जाएगा 49, तो 49 इंटू 50, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में 6 माइनस करेंगे 24 0 1, इसके अंदर 49 प्लस करेंगे 5, 2450 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, तो एन कितना हो जाएगा, लास्ट संख्या को 2n के इक्वल मानेंगे, जब संख्या 2 से स्टार्ट हो रखी हो तो वही हमारी कंप्लीट सीरीज होती है, तो एन हमारे यहां पर हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं, 2 से स्टार्ट होकर ये 50 तक जा रही है सीरीज, 2 जमा 4 जमा 50, लास्ट को 2n के इक्वल मानेंगे, तो n हो जाएगा हमारा 25, 25 इंटू 26, 25 का स्क्वायर 625, 625 में 25 प्लस करेंगे तो 640। क्वेश्चन नंबर 57, 2 से स्टार्ट होकर 60 तक, तो 60 को हम 2n के इक्वल मानेंगे, तो n हो जाएगा हमारा 30, 30 इंटू 31, तो 30 का स्क्वायर 900, 900 के अंदर 30 प्लस करेंगे तो 930 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 58, 8 मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि उसका स्क्वायर करें और वही संख्या उसके अंदर प्लस कर दें।
58। दो से स्टार्ट होकर हंड्रेड तक, तो हंड्रेड को टू एन के इक्वल मानेंगे तो हमारा एन हो जाएगा यहाँ पर 50। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन, 50 इंटू 51, तो 50 का स्क्वायर 2500, 2500 के अंदर 50 प्लस करेंगे तो 2550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, दो से स्टार्ट होकर 200 तक गई है संख्या, तो एन कितना हो जाएगा, 200 को दो से डिवाइड करेंगे तो 100, एन हो जाएगा हमारे यहाँ पर 100। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन, तो 100 गुणा 101, तो 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 के अंदर 100 प्लस करेंगे तो 10,100 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, 102 जमा 104 और ये सीरीज है 200 तक। अब हमें क्या पता है कि एक से मतलब सम संख्या तो दो से स्टार्ट होगी, तो 2 जमा 4 और ये संख्या है 200 तक, तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज होगी। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एन इंटू एन प्लस वन होता है, तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो 100, तो ये 100 संख्याएँ हैं, तो 100 गुना 101 मतलब 10,100। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 102 से पीछे वाली संख्या कितनी है, 100, तो 2 से लेकर 100 तक की जो सम संख्याएं हैं इनका जोड़, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 और उसके अंदर 50 प्लस करेंगे तो 2550 इसमें से हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5 यहाँ पर बचेगा फिर 0, तो 10 में से 5 गए 5 और ये 7750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, जो हमारा ये फॉर्मूला ये कंप्लीट सीरीज का है, और ये कंप्लीट सीरीज नहीं थी तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें कंप्लीट सीरीज बनानी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पर 200 तक कंप्लीट सीरीज बनाई, फिर हमने 100 तक कंप्लीट सीरीज बनाई और फिर इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 102 से स्टार्ट और 200 तक। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, चार सौ दो जमा 404 और ये है 600 तक, तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज नहीं है, इसका फॉर्मूला मैं नहीं पता, हमें पता कंप्लीट सीरीज का, तो पहले कंप्लीट सीरीज बनाएंगे 2 से स्टार्ट करके 600 तक, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, तो ये 300 संख्याएं हो जाएंगी, तो 300 का एन इंटू एन प्लस वन मतलब 300 गुणा 301, तो 300 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90,000 और इसके अंदर फिर 300 प्लस करेंगे तो 90,300। अब इससे पीछे वाली संख्या लेंगे कितनी हो जाएगी, 2 से स्टार्ट कर 400 तक, ये अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो फिर इस जो ये है ये संख्या हमारी आ जाएगी, इसका सम एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 200, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,200 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40,200, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे 0015, तो 50,100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, 40 से 80 तक की सम संख्याओं का योग, तो 40 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 80 तक, इनका सम पूछा है। अब क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा कंप्लीट सीरीज बनाने के लिए, 2, 4 और ये 80 तक, तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 और उसके अंदर 40 प्लस करेंगे तो 1640। अब क्या करेंगे, इससे पीछे वाली सम संख्या कितनी है, 38, तो यहाँ 38 तक जाएंगे हम, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, दो नीमा 18, 19, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और उसके 361 के अंदर 19 को प्लस करेंगे, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 380 को इसमें से फिर माइनस करेंगे, 6 और ये हो जाएगा 2, 1260 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, 100 से नहीं 60 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो 60 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 100 तक, सम संख्याओं का जोड़। अब ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, हमें फॉर्मूला बता कंप्लीट सीरीज का, तो पहले कंप्लीट सीरीज बनाएंगे, 100 तक जाना है, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 100 को लास्ट को हमें 2n के इक्वल मानना है, तो n हो जाएगा 50, तो n इंटू एन प्लस में 1, 50 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 मतलब 2550। अब क्या करेंगे, 2 जमा 4, इससे पीछे वाली सम संख्या कौन सी है, 58, 58 तक जाएंगे,
एन कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, तो 29 इंटू 30, 1 0 3 में 27, 3 2 6 और 2 8, 870 को इसमें से हम फिर माइनस करेंगे, 0 8 और फिर 6, मतलब 1680 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको पता चल गया कि हम इसको माइनस क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, अगर हम कंप्लीट सीरीज बनाएं यह 100 तक, तो इसका सम कितना आया था, अभी मैंने निकाला है 2550, हमें चाहिए कहाँ तक है 60 तक। अगर इस सीरीज को हम ऐसे लिखें तो इसका सम कितना था 2550, अब हमें चाहिए है 60 से आगे आगे का सम। तो अब हम 58 तक का सम निकाल लेते हैं पहले, तो इसका सम कितना आया था हमारे पास 870, तो 870 जमा 60 प्लस 62 प्लस ये 100 तक था, और ये किसके इक्वल था 2550 के। अब जो 870 इसको राइट साइड ले गए माइनस कर देंगे, तो 60 प्लस 62 प्लस 100 तक 2550 माइनस 870, तो इसलिए हम माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आया था 1680, और ये किसका सम था 60 से लेकर 100 तक का। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। साठ और सौ के बीच की सम संख्याओं का योग, तो साठ और सौ इनके बीच की संख्याएं, तो इनके बीच की कौन कौन सी सम संख्या हो जाएंगी 62 से लेकर 64, और फिर ये इनके बीच पूछा, तो सौ इंक्लूड नहीं होगा, इसके पीछे वाली सम संख्या होती है 98, तो इनका हम सम हमें निकालना है। तो हमें पता है कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला 98 तक, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मतलब इसके सम कितना हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन। एन कितना है यहाँ पर, अगर इसको 2 से डिवाइड कर, 2 चौके 8, 2 में 18, तो 49, मतलब 49 गुना 50, तो ये हो जाएगा 0 5 5 चौके 20 और 4 24, 24 50। फिर 2 जमा 4 जमा इससे पीछे वाली सम संख्या होती है 60, तो ये हम निकाल लेंगे 60 तक सम। एन कितना हो जाएगा 30, तो 30 इंटू 31, ये हो जाएगा 930, इसको 930 को इसमें से माइनस करेंगे, 0 2 और ये 5 1, 1520 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारे स्क्वायर वाले स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। 101 और 200 के बीच की सम संख्याओं का योग, तो 101, क्वेश्चन नंबर 65, 101 और 200 इनके बीच की सम संख्या है, तो इनके बीच कौन कौन सी सम संख्या आएगी, 102 जमा 104 जमा और इसके पीछे वाली है 198, तो इनका सम हमें निकालना, हमें पता है कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला, तो कंप्लीट सीरीज बनाएंगे यहाँ पर 198 तक। एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 में 18, 2 में 18, तो 99, तो 99 इंटू 100, ये हो जाएगा 99 100। अब हमें 2 जमा 4 जमा इससे पीछे वाली संख्या होती है 100, तो इसका सम हमें माइनस करना पड़ेगा, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, तो 50 इंटू 51 कितना हो जाएगा, ये 0 5 1 5 5 2550, इसको माइनस करेंगे, 0 5 8 में से 5 गए 3 और ये तो 7 3 5 0 73 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।